हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। छोटी सी कहानी पर बड़ी सी बात है ये। आखिर क्यों नहीं लड़ पा रहे हम इस कोरोना वायरस की लड़ाई से, आइए जानते हैं एक कहानी के द्वारा। एक गांव था जहां पर एक बड़ी बीमारी ने बहुत ही बड़ा भयंकर रूप ले लिया था। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, इस बीमारी का इलाज ढूँढने लगे। लोगों में भय बढ़ने लगा और इस बीमारी ने देखते ही देखते हज़ारों लोगों को अपनी चपेट में बना लिया। गांव के राजा इस बात से बहुत परेशान थे। काफ़ी खोज करने के बाद भी राजा को कोई परिणाम नहीं मिला, उसका कोई उपाय ही नहीं ढूंढ पा रहे थे राजा। राजा इतने चिंतित हो गए कि वो अपने दरबार में अकेले बैठे रहने लगे। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी वहाँ प्रकृति माता प्रकट होती हैं और प्रकृति माता उन्हें एक मार्ग दिखाती हैं। प्रकृति माता उन्हें बताती हैं कि इस बीमारी से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। हम सभी को एकजुट होकर गांव के कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना होगा। गांव के हर एक नागरिक को उस कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना होगा। प्रकृति माता की बात सुनकर राजा चल पड़े गांव की ओर। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और सभी को प्रकृति माता द्वारा बताए गए मार्ग को बताया। मार्ग को बताने के बाद राजा ने सभी को उनके उनके घर भेज दिया। अब समय आ गया था कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालने का। वहीं एक घर में बैठी माता ये सोच रही थी कि अगर मैं नहीं जाऊँगी एक बाल्टी दूध डालने तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी लोग तो जाएंगे ना। ये सोचकर माता नहीं जाती है। और दूसरे दिन सुबह होती है, राजा वापस आते हैं गांव की ओर और उन्होंने क्या देखा, वो बीमारी वैसी की वैसी ही है। चारों ओर कोहराम ही मचा हुआ है। राजा फिर चिंतित हो गए और यहाँ वहाँ चारों ओर नज़र घुमाने के बाद वो थक गए। वो कुएं के पास आकर बैठ गए, चिंतित हो गए कि प्रकृति माता ने जब रास्ता बताया था तो उसका परिणाम क्यों नहीं मिला हमें। राजा कुछ समय सोचते यहाँ वहाँ घूमने लगे। अचानक उनकी नज़र कुएं में पड़ी। उन्होंने क्या देखा, कुएं में एक बूंद भी दूध नहीं था। जैसा कि उस रात माता ने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बाकी लोग तो जाएंगे, यही बात सभी लोगों ने सोची और कोई भी कुएं में दूध डालने नहीं गया। राजा सर पर हाथ रख के बैठे रह गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अकेला राजा ही किसी बीमारी या किसी परेशानी से नहीं लड़ सकता, हमें एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना है, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।